सामने का दोस्तों, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर प्रयास और आपका फेवरेट चैनल फूड एंड ब्लॉग्स आप देख रहे हैं और मैं अभी आपको जड्डा में मौजूद हूँ, सिबा कब्रिस्तान के अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे मेन रोड पे हम मौजूद हैं। अभी हम जा रहे हैं जी यूनिवर्सिटी गार्डन है। ठीक है, एक कॉलोनी बनी हुई है यहाँ पे वेल नोन जड्डा की। तो हम आपको आज उसका विजिट करवाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हम जलालपुर रोड पे मौजूद हैं, जलालपुर गुजरात मेन रोड जो है डबल जो रिसेंटली तैयार हुआ है उसके ऊपर हम मौजूद हैं। अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी गार्डन, तो चलें आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इंटरनल लुक इसका कॉलोनी का। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत कॉलोनी है। अभी हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको दिखाते हुए जा रहे हैं सारी कॉलोनी जी। साथ तक हुआ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये देखेंगे बहुत प्यारी कोठी बनी हुई है यहाँ पर भी। ठीक है, मैंने कोशिश की है यहाँ पर लोगों से बात करने की, लेकिन कोई प्रॉपर जो है वो हमें गाइड करने वाला आदमी नहीं मिला जो कि हमें यहाँ के रेट बता सके। हमने अभी चौकीदार से बात की है, उन्होंने हमें थोड़ा सा गाइड किया, थोड़ा सा बताया है कि यहाँ पे क्या रेट है। मिनिमम भी जो है अगर कह लें कम से कम भी 10 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 10 लाख से मरला यहाँ पे रेट है, तो उससे आगे फिर वो एरिया के हिसाब से या गली के हिसाब से या जो भी है उसके हिसाब से ये रेट आगे बढ़ता जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक पार्क भी बनाया गया है। ठीक है, बच्चे वगैरह और लेडीज़ वगैरह के लिए जी दोस्तों। तो ये हम कॉलोनी के अंदर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉप वगैरह बनी हुई हैं। ठीक है, ये मेन रोड है, मेन एंट्रेंस है। तो अभी हम सीधा जाएंगे तो घूम फिर के आपको दिखाते हैं जिस हाथ तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली ड्रोन नहीं है तो हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं वाइड एंगल से ना, तो जितना हो सकता है हम आपको दिखाएंगे। ये अंदर टैंकी बनी हुई है पानी के लिए। ठीक है, साफ़ पानी और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये सीधा हम जा रहे हैं फिलहाल। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोठियाँ वगैरह बन गई हुई हैं, लोगों ने यहाँ पे अपने घर बना लिए हैं। ये एक्चुअली इस कॉलोनी में जो है लोग अपने प्लाट्स वगैरह लेके कुछ ने खुद भी बनवाए हैं और कुछ जो है ना इन्होंने कॉलोनी वालों ने खुद की अपनी कोठियाँ वगैरह बना के वो सेल आउट भी की हैं। ठीक है, और ये आप इंटरनल लुक इसका देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कोठियाँ वगैरह घर वगैरह बने हुए हैं लोगों के। ये डिस्कवरी गार्डन है जी जलालपुर जट्टा में। इस वक्त दो मेन कॉलोनी है, एक डिस्कवरी गार्डन है। ठीक है, जहाँ पे अक्सर वो बेशतर जो है ना वो काम कंप्लीट हो चुका है और लोगों ने घर वगैरह बनाए हुए हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, वो भी आपको जो हमें नज़र आए वो हम आपको दिखाएंगे। और अभी शाम का टाइम है तो आपको इसका व्यू करा रहे हैं। तो इसके अलावा एक और कॉलोनी है जो कि है रॉयल सिटी के नाम से, तो उसका भी आपको विज़िट करवाएँगे। दो मेन कॉलोनीज हैं जलालपुर जट्टा में, एक का तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे में भी आपको लेके जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक प्लॉट यहाँ पे जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे बन रहे मकान। ठीक है, और काफ़ी यहाँ पे बन भी चुके हैं, अक्सर बेशतर बन चुके हैं, कुछ ही सिर्फ रह गए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है कॉलोनी इन्होंने। और यहाँ पे ये मस्जिद है मेरे ये लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये बैक साइड है मस्जिद की, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब हम दूसरी गली में आए हैं इसकी, और ये फ्रंट साइड है इसकी मस्जिद की, ये आप देख सकते हैं बाकायदा नमाज वगैरह होती है यहाँ पर। और आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं,
ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अक्सर कोठियाँ बन चुकी हैं और कुछ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ प्लाट्स भी अभी हाल ही हैं। ठीक है, ये भी बड़ी प्यारी जो है कोठी बनी हुई है। यहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। ठीक है, और मेन बात ये है कि यहाँ पे जो है ना जो गलियाँ हैं या गले हैं वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी वाइड हैं। वैसे आम तौर पर इतने वाइड नहीं होते, तो यहाँ पे जो है ना इस कॉलोनी के अंदर काफ़ी वाइड हैं गले। ठीक है, काफ़ी खुले गले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बन रहा है मकान। ये जो एरिया है ये है कब्रिस्तान की दीवार है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहली गली है। ठीक है, मेन एंटर होते ही अभी हम आपको घुमाते हुए ला रहे हैं अंदर से। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त कोठियाँ बन चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत माहौल है। ठीक है, एक्चुअली ड्रोन होता तो हम और अच्छी तरह से ये वीडियो बना सकते थे, लेकिन जिस हद तक हो सकता है तो हमने ये कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आएगी। ये भी एक घर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है कोठी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है मेन, ये भी आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस यहाँ की। तो जी, ये एक छोटा सा इनमें पार्क बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अंदर बच्चे और बूढ़े और लोग वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे पार्क में। ठीक है, लेडीज़ वगैरह मौजूद हैं और बच्चे खेल रहे हैं। अभी हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ना हो कि हमें कोट फंड पड़ जाए यहाँ से। ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअली छोटा सा हमारा शहर है तो अभी इतना मतलब जो है ना वो ट्रेंड नहीं है, तो जिस हद तक हुआ है हमने आपको दिखाया। तो कोशिश करेंगे जिस तक थोड़ा क्राउड कम होगा तो अंदर ले कर जाते हैं आपको पार्क में, लेकिन यहाँ से जिस हद तक हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं झूले वगैरह लगे हुए हैं इस कॉलोनी में। वैसे सीवरेज का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, पानी वगैरह भी साफ़ है, टैंकी वगैरह है यहाँ पे मौजूद। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, हर आसाइश जो है वो यहाँ पे मौजूद है, हर आसानी यहाँ पे मौजूद है, और माहौल काफ़ी जो है वो अच्छा है, खूबसूरत है, और सब्ज़ा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं अभी इस साइड पे। ये आप देख सकते हैं, ये वाले कुछ प्लाट्स खाली हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, कुछ बन चुके हैं। ये पार्क की जो है बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा स्टॉप करिएगा, हम दिखा दें जी। वो आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, लेडीज़ वगैरह मौजूद हैं यहाँ पर, और लोग वगैरह आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है तो लोग आ जाते हैं पार्क में। ठीक है, और यहाँ पे फिर एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों लाजमी शेयर करिएगा वीडियो को। तो चलिए आगे आपको थोड़ा सा और लेके चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर चलते हैं, ये कोठी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यही है एरिया सारा। मैंने कोशिश की है कि जिस हद तक हो आपको ये दिखाऊं। और यहाँ पे भी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कुछ प्लाट्स खाली हैं। ठीक है, वो वहाँ पे जो है काम चल रहा है और कुछ खाली हैं प्लाट्स। ठीक है, ये देखें मुर्गियाँ वगैरह भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये मोर हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और मुर्ग वगैरह हैं। ठीक है, ये एक ब्लू शोल्डर हैं और वाइट है। ठीक है, वाइट पीकॉक और जो है ना ये कुछ ब्लू शोल्डर हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये असील मुर्गे हैं, मुर्गियाँ, ये भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे जिनका जो कोई रहता है, जो शौकीन है इन चीज़ों का, उन्होंने रखे हुए हैं। तो चलिए जी आगे आपको लेके चलते हैं। ये भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है। ठीक है, और यहाँ पे आप आगे थोड़ा सा चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वो सामने आपको अगर टैंकी नज़र आ रही हो, वो जो टैंकी है वो जी रॉयल हाउसिंग, रॉयल सिटी सोसाइटी जो है ना उसकी है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका भी मैं विज़िट कराऊँगा एज सून एज़ पॉसिबल। और अभी हम निकलने लगे हैं, पार्क हम आपको दिखा नहीं सके प्रॉपरली, छोटा सा पार्क है ठीक है, जो कुछ पार्क में होता है मतलब प्ले एरिया वगैरह झूले लगे होते हैं वो कुछ ही है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि क्योंकि लेडीज़ अभी हमने उनसे बात भी की है लेकिन वो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता, तो हमने उसकी नहीं बनाई वीडियो, तो काइंडली बुरा ना मनाइएगा। और जिस हद तक हमसे हो चुका है हमने मतलब हो सका है हमने बनाई है वीडियो। और रेट्स के मतलब जो है वो रेट्स जो भी है वो मैं कंफर्म नहीं मैं बता सकता, क्योंकि उन्होंने बोला कि रेट नहीं बताने, वो यहाँ पे आके आपको पता करने पड़ेंगे, क्योंकि हर प्लाट का हर मकान का डिफरेंट रेट है, तो वो कुछ बताना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो चलें जी, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।